हेलो एवरीवन टुडे वी डू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर चैप्टर सर्कल एस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एनसीआर एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करी थी और आज हम लोग करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दिस इज बेसिकली वन ऑफ द एन सी आर टी एग्जाम्पल एंड प्रीवियस ईयर बोट क्वेश्चन ऑल्सो टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी वट इज गिवन टू हस इट इज गिवन डेट वी है सर्कल एंड देर आर टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल टी टू दिस सर्कल इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट आ रहे हैं वन विद दी पी अनादर विदी क्यू एंड देंटर ऑफ दिस सर्कल इज ओ जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है एंड टी इसका एक्सटर्नल पॉइंट है एंड यू नीड टू वेरीफाई दैट द एंगल पी टी क्यू दिस वन द एंगल पी टी क्यू इज डबल द एंगल ओ पी क्यू ये जो एंगल ओ पी क्यू बनेगा तो ओ पी क्यू कैसे बनेगा पहले इसको देख लीजिए दिस इज द एंगल ओ पी क्यू तो ये एंगल इसका डबल है दिस वी हैव हाँ टू तो वेरीफाई है तो गिवन क्या है अपने पास पहले हम गिवन को प्लान करते हैं हेयर यू ऑब्जर्व डैट की जो गिवन दे रखा है वो ये दे रखा है two tangents tp and tq are drawn to a circle with center o this is given to us uh, two circle tp and tq are drawn to a circle with center o from the from an external point p एक्सटर्नल पॉइंट टी से मैंने दो टेनजेंट इस पर ड्रॉ करें एंड देर इज अ नीड टू प्रूव दैट जो ये एंगल बनेगा हमारे पास पी टी क्यू इट इज जस्ट डबल द एंगल ओ पी क्यू हमारे को इस एंगल को इस एंगल के जस्ट डबल वेरीफाई करना है सो so बेटा अगर अब हमारे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है तो वट यू हैव टू थिंक केयरफुली क्या सोच के चल रहे हैं हम लोग कि किसी मीन हाउस से मुझे इस एंगल को इसके डबल प्रूफ करना है और उसके लिए मुझे करनी होगी यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन जिसके भी आप बहुत आराम से ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल कैसे हो गए तो फॉर डैट यू नीड टू जस्ट ज्वाइन अ लाइन टी तो हमने कंस्ट्रक्शन करी और ज्वाइन कर दिया लाइन ओ को मैंने यहाँ पे इस लाइन ओ को आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर लिया ड्रॉ कर लिया देखो बेटा अब सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों पे चलेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा इस प्रूफ के अंदर लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल दिस इज द इंपॉर्टेंट थियोरम जो हमने नंबर ऑफ टाइम इस चैप्टर में यूज किया है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट टी पी इज इक्वल टू टी क्यू दे आर फॉर एंगल दे आर फॉर यर इन ट्राइंगल पहले ट्राइंगल ही सिलेक्ट कर लेते हैं पी टी क्यू सिंस टी पी इक्वल टू टी क्यू है दे आर फॉर एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टीपी क्यू और रीजन क्या लिखोगे इक्वल साइड्स है इक्वल अपोजिट एंगल्स दिस इज दन ऑफ द थ्योरम वन ऑफ़ द प्रो फॉर्मूला जो हम लोगों ने रूल सीखा हुआ है उसको यहाँ पर यूज़ किया और इस पर्टिकुलर कंडीशन से ये वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो दिस इज दन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कंसिडर है अप नॉ बेटा द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हेयर कि लेट मैंने इसे मान लिया कि ये दोनों एंगल x है तो इसका मतलब ये भी x हो गया और ये भी x हो गया आई एम जस्ट कंसिडर दिस एस टू इक्वल एंगल्स तो इनको मैंने नाम दे दिया x. सिंस वी नो डैट कि जो एंगल अपने पास पी टी क्यू है प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एट्टी होगा और उसके लिए रीजन लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी इसी ट्राइंगल की बात हो रही है जो ट्राइंगल हमने कंसिडर किया हुआ है एज दी नेम टीपी क्यू टीपी क्यू में इस एंगल का इस एंगल का और इस एंगल का सम वन एट्टी है इसलिए अगर मैं यहां से वैल्यू ऑफ पीटी क्यू निकाल लू तो दैट इज माइनस टू एक्स एंड फर्स्ट इक्वेशन वी ऑबटेन फ्रॉम दिप्लीफिकेशन ऑफ अवर क्वेश्चन मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे आपके लिए यूज कर दिया अब मैंने इसके बाद जो दूसरी बात आपके सामने शेयर करनी है वो है हमारे लिए कंसेप्ट विच इज बेज ऑन दिस पर्टिकुलर एंगल तो मैंने यहां पर लिखा नाउ इज अ टेंजेंट ओपी इज अ रेडियस एंड टीपी इज अ टेंजेंट एट पी ओपी रेडियस है टीपी टेंजेंट है इस सर्कल का एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी दिस इंडिकेट दैट ओ पी इज पपेंडिकुलर टू टी पी फिर से आपको थियोरम टेन पॉइंट वन याद होगी जो हमने डिस्कस की थी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के हमेशा पपेंडिकुलर होता है जस्ट अ रीजन रेडियस इज पपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो ये हमने थियोरम लिख लेना आप चाहे तो पूरी स्टेटमेंट क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर पपेंडिकुलर टू ई अगर देर फोर वी कैन से डैट कि जो ये एंगल ओ पी टी आ गया वो नाइनटी आ गया क्योंकि ये नाइनटी डिग्री है और अगर मैं ओ पी टी की बात करूं तो वह अपने आप में दो एंगल लेके चल रहा है एक तो है बेटा ओ पी क्यू और एक है अपने पास एंगल क्यूपी टी विच इज नाइंटी तो यू कैन ईजिली से कि ये इन दोनों का सम आ गया इसका मतलब बेटा जो ओ पी क्यू नाम का एंगल आ गया है वह आ गया है हमारे पास ओ पी क्यू प्लस एक्स क्वल टू नाइनटी तो यहां से हम वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स इज नाइन्टी माइनस ओपी क्यू एंड दिस इज कंसिडर यर ए सेकेंड इट मीन्स बेटा अब तक जो कुछ मैंने वेरीफाई किया उसमें इस कंस्ट्रक्शन का कोई रोल है नहीं अगर आप नहीं भी करना चाहोगे तो चलेगा तो अभी हम मैंने आपके सामने दो बातें शेयर करी एक एक करके रिपीट करता हूँ वो दोनों बातें इन दी गिवन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ अवर एन सी आर टी एग्जाम्पल ऑल्सो जिसमें लिखा था वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड देर इज अ टी पॉइंट एक्सटर्नली एक्सटर्नल पॉइंट टी जिससे दो टेंजेंट इस पर बने टी पी एंड टी क्यू और हमारे पर यह प्रूव करने के लिए जो एक्सटर्नल एंगल बनाए इन दोनों टेंजेंट ने वो इस एंगल के ओ पी क्यू के डबल है उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन करी बट फिलहाल उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है तो हम लोग चाहे तो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं फिर मैंने लिखा था लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल दिस इज अ वेरी बेसिक थ्योरम वी नीड टू यूज इन द केस ऑफ सर्कल या तो टी पी इक्वल टू टी क्यू आ गया इसलिए उसके अपोजिट एंगल इक्वल आ गए और मैंने उन दोनों अपोजिट एंगल को एक्स नाम दे दिया और फिर मैंने इस ट्राइंगल पी क्यू टी को पी क्यू टी को लिया उसके तीनों एंगल का सब मनेटी लिखा और उससे मैंने एंगल पी टी क्यू की वैल्यू निकाल ली नाउ इट इज़ ऑल्सो क्लियर बेटा कि जो ये ओ पी है वो रेडियस है और टी पी टेंजेंट और रेडियस टेंजेंट जब भी मीट करते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए जो एंगल क्यू पी टी बना वो नाइन्टी बन गया और क्यूपी टी अपने आप में दो एंगल का सम है एक तो ओ पी क्यू और एक एंगल एक्स तो मैंने यहाँ से फिर से वैल्यू ऑफ एक्स निकाल ली अब होगा क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन जस्ट इट लाइक फर्स्ट में था पी टी क्यू इक्वल टू वन एट्टी माइनस टू और यहाँ था एक्स एंड हेयर वी कैन सब्सिट्यूट दी वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज नाइन्टी माइनस एंगल ओ पी क्यूब और बेटा जैसे अब आपने इसको इसमें सब्सिट्यूट किया हेयर इट इज़ वन एट्टी माइनस वन एट्टी प्लस टू टाइम ओ पी क्यू ये टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया वन एट्टी से वन एट्टी सिंप्लीफाई हो गया एंड वी आर गेटिंग अवर रिस्पेक्टिव आंसर यही हमें वेरीफाई करना था वही हमारा यहाँ पे बहुत ईजली वेरीफाई हो गया और हमने प्रूव करा इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन और अपनी एनसीईआरटी का वन ऑफ द एग्जांपल बोर्ड का प्रीवियस ईयर वन ऑफ द क्वेश्चन तो एक बार बहुत जल्दी से रिपीट करता हूं ये दोनों टेंजेंट है और जब दो टेंजेंट मीट करेगी एक्सटर्नली तो वो इक्वल हो गए एज अ रिजल्ट जो ये एंगल है और ये एंगल है दोनों एक दूसरे के हो गए इक्वल इसके इक्वल होती है मैंने लिया ट्रा का नाम टीपी क्यू तीनों एंगल का नाम है वन एट्टी और मैंने यहां से टीपी क्यू की वैल्यू निकाली जो आगे वन एट्टी माइनस टू एक्स आफ्टर हैविंग अवर वर्किंग अप टू दिस पॉइंट मैंने उसके बाद कहा कि ये जो टेंजेंट और रेडियस है वो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेट पे होते पेंडिकुलर बिकॉज ऑफ दैट थियोरम टेन पॉइंट वन जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसके यहाँ

इज अ कोड ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर ये जो पी क्यू है इसकी जो लेंथ है वो एट सेंटीमीटर गिवन है तो दिस इज इज द द द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव इन क्वेश्चन लेंथ ऑफ सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज फाइव सेंटीमीटर और जो सर्कल है उसका रेडियस फाइव है इट मीन जो ये लाइन मैं यहां से ज्वाइन करूंगा ये फाइव सेंटीमीटर की होगी देन बेटा द टेंजेंट एट पी एंड क्यू कहते हैं टी पॉइंट से टेंजेंट बना है पी और क्यू पे जो सर्कल को टी पे बन रहा है आपको इस TP की लेंथ निकालनी है तो दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि वी हैव टू गो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ लेंथ ऑफ TP। सबसे पहले मैंने करा गया यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया M। एज इट इज वेरी क्लियर कि ये जो ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हमने कभी ये कांग्रेस पढ़ी थी वेन वी प्रूविंग दिस थ्योरम कि दोनों लेंथ इक्वल होती है और उसके बिहाफ पे ये जो लाइन आ रही है ना दिस लाइन ये इसका परपेंडिकुलर होता है लाइन फ्रॉम अ सेंटर पर पेंडिकुलर टू द कोड देन इट्स बाई सिक कोड तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को यहां पे ये पॉइंट आउट करना है कि ये दोनों साइड्स ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है कैसे करेंगे चेक करिएगा मैंने सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल पी एम टी एंड ट्राइंगल क्यू टी एम ट्राइंगल पीएम टी ट्राइंगल क्यू टी एम तो अब हम इन दोनों को कांग्रेन करेंगे जिसके लिए हम लोगों ने यहां लिखा कि जो ये टीपी है दिस इज इक्वल टू टी क्यू टू टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल दिस इज इ बेसिक थ्योरम जो आपने नंबर ऑफ टाइम यूज किया है उसके बिहाफ पे ये साइड इसके इक्वल हो गई एज ए रिजल्ट और साथ में हम आपको यह भी पता है इसी थियोरम की हेल्प से कि यह एंगल इसकी इक्वल होगा तो हमने इसे भी लिख दिया एंगल पी टी एम इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एम जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की टी ओ इज दंगल बायसे ऑफ एंगल पी टी क्यू ये पी टी क्यू का एंगल बाय सेक्टर है एज वेल एज बेटा वी कैन से डैट ये जो टी एम है वो टी एम के इक्वल है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉमन इन्फॉर्मेशन हम ये सब कर क्यों हो रहे हैं हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम ये वेरीफाई कर सकें कि एम इसका मिड पॉइंट है तो वेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली यू विल ऑब्जर्व डैट कि इन द गि क्वेश्चन वी फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कि टेंजेंट एट है रेडियस फाइव है मैंने इस ट्राइंगल पी टी एम को और इस ट्राइंगल टी क्यू एम को आपस में कांग्रेट करना है और उसके लिए मैंने यहाँ पे कांग्रेस यूज करी है साइड एंगल साइड कांग्रेनसी ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंगल साइड कांग्रेंसी ट्राइंगल पी टी पी एम टी इज कांग्रेन टू ट्राइंगल क्यू टी क्यू पी एम टी इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू एम टी प्लीज नेमिंग पे भी केयर करिएगा कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नेमिंग शफल नहीं करेंगे हम तो बेटा ये ट्राइंगल कांग्रेन हो गए बाई सी पी सी टी सी वी आर इजली सेड ऐट पी एम इक्वल टू एम क्यू सी पी सी टी सी से पी एम एम क्यू के इक्वल हो गया डेयर फोर ये जो पी एम है या जो ये एम क्यू है दिस इज हाफ ऑफ पी क्यू और पी क्यू इज ऑलरेडी गिवन टू एज एट एट तो मुझे यहाँ से पी एम की या एम क्यू की वैल्यू फोर सेंटीमीटर मिल गई तो दिस इज अवर फर्स्ट कंसर्न इन दिस क्वेश्चन कि ये मेरे पास फोर सेंटीमीटर आ गया है यह बात आपको याद रखनी है नाउ कि ये जो ओ एम है डेट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू और रीजन क्या लिखेंगे अ लाइन अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कोट किसको को ज्वाइन कर रहा है ये कोर्ट के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ट इज पपेंडिकुलर अगर ऐसा होता है कि कोई भी लाइन सेंटर से अगर कोर्ट के मिड पॉइंट को ज्वाइन ज्वाइन करती है तो वो पपेंडिकुलर होता है एंड वाइज वर्सा अगर पपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगी तो जस्ट विद दी हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट बेटा वी आर इन अ पोजिशन टू से डेट कि यह एंगल नाइनटी डिग्री का हो गया इसलिए यहाँ से यह कन्फर्म हो गया कि जो ये एंगल ओ एम पी है दिस इज नाइन्टी वी आर प्लानिंग टू सिंप्लीफाई दिस एज नाइन्टी डिग्री हमें चाहिए था नाइन्टी प्रूव करना इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक थिंग्स वी हैव टू कंसिडर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड ईयर सो डैट अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सके अब जैसे ये नाइन्टी डिग्री प्रूव हो गया अब हम लोग लेते हैं एक ट्रा एंगल जिसका नाम है पी एम ओ और इस पी ओ एम में एंगल पी एम ओ ही नाइन्टी डिग्री का है और बाय दी हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अब हम इसमें आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर पी ओ डेट इज फाइव पी एम डैट इज फोर एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ एम एंड द वैल्यू ऑफ ओ एम वी गेट फ्रॉम इट इज ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन द वैल्यू ऑफ ओ एम वी आर ओपटेनिंग थ्री सेंटीमीटर तो ये जो मेरे को ओ एम मिल गया है वो थ्री मिल गया है दिस इज फाइनली थ्री नाउ लेट अब आप कुछ साइड में ऐसा सपोज करो क्योंकि वी आर टारगेट टू फाइंड आउट पी टी टीपी तो लेट लेट लेंथ ऑफ हम यहां पे स्पेशली कंसिडर कर रहे हैं बेटा द लेंथ ऑफ किसकी लेंथ टी पी की द लेंथ ऑफ टी पी इज एक्स मीटर हमने इसकी लेंथ को एक्स सेंटीमीटर मान लिया एंड लेंथ ऑफ दिस इज टी एम टी एम इक्वल टू वाई सेंटीमीटर तो मैंने एक एक करके इसे एक्स सपोज कर लिया इसे वाई सपोज कर लिया अब बहुत आराम से और ध्यान से चीजें समझो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी टी एम बड़ा वाला ट्राइंगल इधर से ले लिया ये 90 है जैसे कि हम सब समझ पा रहे हैं और इस टी पी के अंदर हमारा एंगल पी फिर से 90 डिग्री है अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम ओनली थ्योराम बाय द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम ओनली, वी कैन से डैट द पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एमओ एम पी स्क्वायर तो देखिए पी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट रिलेशन यू नीड टू रिमेंबर हेयर फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन देन वी टेक अ बिगर ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल यू कैन से ओ पी टी ओ पी टी ट्राइंगल के अंदर ये बहुत ईजिली क्लियर है कि ओ पी इज पपेंडिकुलर टू टी पी रीजन आप लिख देना वही थ्योरम पूरी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज पपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्योरम फर्स्ट जैसे मैंने ये लिखा कि ये 90 डिग्री है दिस इज एस 90 डिग्री तो हमारे पास जो एंगल आ गया ओ पी टी वो 90 आ गया इसमें भी मैंने पैथाक्योरस थ्योरम को ही अप्लाई कर लिया आप बच्चों के लिए और जैसे इसमें पैथाक्योरस थोरम मैंने यूज़ करी अप्लाई करी इसने कहा मुझे टी ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर वट दिस टी ओ इंडिकेट टी ओ इंडिकेट हेयर इज वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर एंड जस्ट टेक दिस एज आ सेकेंड इंफॉर्मेशन आप इसे सेकेंड मान लो तो अब आपको फर्स्ट भी पता चल गया आपको सेकेंड भी पता चल गया तो क्वेश्चन के अंदर अब हम लोग फ्लो में आ गए उस पॉइंट पर आ गए जहाँ से हम अपने आंसर तक फाइट करेंगे लेकिन उस तक पहुँचने से पहले एक बार दोबारा रिकन्सिडर करते हैं पूरे क्वेश्चन को देर इज अब कल सेंटर ओ एंड देर इज अ पॉइंट टी एक्सटर्नली जिससे दो टेंजेंट इस पर बने हुए हैं विद द नेम टी पी एंड टी क्यू एंड हे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज फाइव द लेंथ ऑफ द कोर्ट इज फोर एंड वी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई हेयर की ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है जिससे कि सी पी सी टी से अप्रूव हो जाए पी एम एम क्यू इक्वल है जो हाफ ऑफ पी क्यू होगा इसलिए ये फोर आ गया फिर मैंने कहा अगर ये इक्वल आ गए तो एम इसका मिड पॉइंट है अ लाइन फ्रॉम अर सेंटर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्ट बाई साइड पर पेंडिकुलर टू द कोर्ट उससे ये एंगल नाइनटी आ गए जैसे ये दोनों बातें पूरी हो गई फिर मैंने एक ट्राइंगल उठाया पी और उसमें मैंने पहले ओ की वैल्यू निकाली जो थ्री आ गई फिर मैंने छोटा ट्राइंगल इधर वाला लिया ये नाइन्टी है फोर वाई और एक्स में निकाल ली एक रिलेशन दिस इज द रूल नंबर वन फिर मैंने लिया बड़ा वाला ट्राइंगल और ये नाइन्टी है तो एक्स वाई प्लस थ्री और फाइव में निकाल लिया रिलेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इन्फॉर्मेशन नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अब आप फर्स्ट और सेकेंड पे केयर करो तो हेयर वी सी डैट कि जो ये y प्लस थ्री का होल स्क्वायर है y प्लस थ्री का होल स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव तो आफ्टर सब्सिट्यूशन मुझे ये मिल गया है इसके बाद बेटा क्योंकि ये चीज़ तो आपने कॉपी कर ही लेनी है हम पूछे इस स्टेप पे और यहाँ से करते हैं अपने क्वेश्चन की फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो वहाँ देखिए आपके पास जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंगली वाई का स्क्वायर का स्क्वायर एंड दैट द सम ऑफ दैट टू टर्म इज फोर्टी वन वाई स्क्वायर से वाई इक्वल टू फोर्टी वन माइनस नाइन आ गया सिक्स टू थर्टी टू आ गया वाई की वैल्यू सिक्सटीन अपॉन थ्री आ गई बट टू फाइंड आउट दी वाई इज नॉट अवर कंसर्न अवर कंसर्न इज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ कि मुझे तो एक्स निकालना है नाउ पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट अब इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दो एंड इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया y के लिए थर्टीन सिक्सटीन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस उधर से मेरे पास है फोर स्क्वायर इट इज एक्स स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स अपो नाइन प्लस सिक्सटीन सॉल्व इट केयरफुली इट इज फोर हंड्रेड अपो नाइन द वैल्यू ऑफ x वी गेट फ्रॉम इट इज ट्वेंटी बाय थ्री सेंटीमीटर तो दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ईयर तो आपने देखा होगा ये जो एग्जाम्पल था हमारी एनसीईआरटी टी का या प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन था ये बहुत वर्थफुल क्वेश्चन है बहुत ध्यान से सीखने वाला क्वेश्चन था क्योंकि इसमें प्लानिंग चाहिए थी क्या क्या प्लानिंग करी मैंने एक बार दोबारा देखो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पहले मैंने पी को एम क्यू इक्वल करने के लिए इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा जैसे ये इक्वल हो गया बाई हो गया ये कन्फर्म हो गया कोई भी लाइन अगर सेंटर से किसी भी कोर्ट के मिड पॉइंट पर आगे गिरती है तो वो पर्पेंडिकुलर हो जाएगी इससे नाइन्टी आ गया एक बार ये नाइन्टी आ गया बस फिर मैंने इस ट्राइंगल में पैदल जोर थिरम लगाई और ये थ्री निकाल लिया फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल में पैदल जो स्थिर लगाई एक्स और बाई में रिलेशन आ गई फिर मैंने बड़े वाले ट्राइंगल में पाता है सिरम लगाई एक्स वाई में दूसरी रिलेशन आ गई पहली रिलेशन को दूसरी रिलेशन में करा सब्सिट्यूट गेट दि सिंप्लीफिकेशन वी गेट अ वैल्यू ऑफ वाई पुटिंग दिस वाई टू वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी आर गेटिंग अवर आंसर एज एक्स विच इज देंथ ऑफ द गिवन टेंजेंट टी और जिसकी वैल्यू आ गई ट्वेंटी पॉइंट सेंटीमीटर नो बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज दन ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन टू थाउजेंड एज वेल एज इलेवन इसमें लेके एक सर्कल है जो टच कर रहा है बी को पी पे ए बी सी ट्राइगल के अंदर और पी को एट पी एंड ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करने के बाद टच कर रहा है एट अ पॉइंट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर शो डेट ये जो ए क्यू है दिस इज हाफ ऑफ द पैरीमीटर और इट ए क्यू इज़ द हाफ ऑफ द ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वट इज द ए ब्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स अ पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइगल एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था इसके जैसे क्वेश्चन तो टू तो तो गेट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पहले हम फिर से गिवन की बात करते हैं और यहाँ पे हमारे पास गिवन है सर्कल टचेस दिस साइट बी सी एट पी एंड सर्कल है जो एक साइड को टच कर रहा है ट्राइंगल की टचेज दिस साइड ऑफ आ ट्राइंगल देख लो ऑफ़ ऑफा ट्राइंगल ए बी सी एट पी एंड ए बी एंड ए सी वेल प्रोड्यूस्ड जब ए बी एसी को प्रोड्यूस कराए तो एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली तो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू कंसिडर हेयर एंड वी नीड टू प्रूव हेयर कि जो ए क्यू है वन ऑफ देंजेंट ए क्यू इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी और इट इज हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बात एक ही है कहने का तरीका बदल दिया है और कई बार ए क्यू की जगह ए आर भी पूछ सकते हैं वो भी एक ही बात है तो गिवन क्या है टू प्रूफ क्या है कंस्ट्रक्शन क्या है ये सब क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन की यहां कोई नीड नहीं है हमने प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम लिखी लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल दिस इज ए वेरी बेसिक थ्योरम जो नंबर ऑफ टाइम हम यूज कर चुके हैं और इसी को दिमाग में रखते हुए हमने ये कह दिया कि जो ये ए क्यू है दैट इज इक्वल टू ए आर दीज आती टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है लिख दीजिए ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमने टेंजन को ड्रॉ कराया इसी तरह से बेटा वी कैन से दैट बी क्यू इज इक्वल टू बी पी थिंक अबाउट इट ये बी क्यू बी पी के इक्वल है और इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है बी एज इट इज लिख दीजिए एंड यू कैन ऑल्सो से डेट के जो सी आर है डेट इज इक्वल टू सी पी ये आर सी इज दी एक्सटर्नल पॉइंट तो इन द गिवन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस डाइग्राम वी कैन ईजली ऑब्जर्व ए क्यू ए आर के इक्वल है बी पी बी क्यू के इक्वल है सी पी सी आर के इक्वल है अब आगे चलते हैं आप नाव वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दी पैरीमीटर तो वी कैन से दैट नाउ द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दिस इज यू नीड टू रिमेंबर केयरफुली द पैरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी है वैन यू थिंक अबाउट द टर्म बी सी तो वी विल से दैट बी सी इज ब्रेक यर इन द टू पार्ट बी पी प्लस पी सी प्लस सी है तो मैंने बी पी को ब्रेक कर दिया बी सी को ब्रेक कर दिया तो so here इट इज ए बी प्लस we वी राइट इन द्वार पार्ट ऑफ BP it इट इज बी क्यू एंड is CR इट इज सी आर इट इज सी are तो replaced टू टर्म्स आर इजीली simply विद here वी कैन सिंपली ऑब्जर्व को बी क्यू लिखा जा सकता है CP को सी आर लिखा जा सकता है किया क्या है मैंने पहले पैरिमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला खोला तीनों साइड्स का सम BC को ब्रेक करके लिख दिया BP plus प्लस BP को रिप्लेस कर दिया बी क्यू से और CP को रिप्लेस कर दिया सी आर से अब ये बन गया बी क्यू प्लस बी ए एक साथ सी आर प्लस सी ए एक साथ एंड वेन यू थिंक अबाउट इट इट इज ए क्यू प्लस ए आर चेक करके देखिए बी क्यू प्लस बी ए गिव यू बी क्यू ए क्यू ए सी प्लस सी आर गिव यू सी आर तो दे आर वी कैन से डेट की जो ये पैरिमीटर ऑफ ट्राइनल ए बी सी आ गया उसका सम आ गया ए क्यू प्लस ए आर बट इट इज ऑलरेडी क्लियर डैट एक क्यू तो ए आर के इक्वल है दिस इज बी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर क्वेश्चन कि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो ए क्यू तो ए आर के इक्वल है इसलिए जो पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू इट मींस जो पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी है यहां पे वो होगा बेटा डबल ऑफ ए क्यू इसलिए हम ये कहना बिल्कुल भी क्लियर हो गया हमारे को ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो ए क्यू की वैल्यू है वो जस्ट सेमी पैरीमीटर ऑफ ए बी सी के इक्वल है सेमी पैरीमीटर मतलब हाफ पैरीमीटर और यहीं से हम ये बात भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये पैरीमीटर है वो तीनों साइड्स का ही सम है तो मैंने यहाँ पे पैरीमीटर को ईजिली बदल दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी आर से तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ट्राई किया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन ऑफ अवर सी बी एस सी और जिसके अंदर हमने नोट किया था देर इज अ वन सर्कल विट टच इज साइड बी सी एट पी एंड ए बी एन ए सी आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट एट क्यू एंड आर एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी जस्ट हाफ ऑफ द वन ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर ए क्यू उसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्लानिंग करी कि अगर ए इसका एक्सटर्नल डायमीटर है तो ए क्यू एआर के इक्वल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम 10.2 पॉइंट टू ऐसे बेटा पी क्यू पी बी पी बी क्यू के इक्वल होगा और सी आर सी पी के इक्वल होगा वी प्लान इट वेरी केयरफुली देन आफ्टर दैट वी कंसिडर दैट पैरीमीटर जिसके अकॉर्डिंगली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है वी यूज दैट पैरीमीटर एंड वी आर ईजिली नो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली अ सम ऑफ थ्री साइड्स तो मैंने उन तीनों को सम कर दिया फिर मैंने इस बी सी को ब्रेक करके लिख दिया बी पी प्लस पी सी फिर बी पी को रिप्लेस करा बी क्यू से और पी सी को रिप्लेस किया सी आर से विच गिव दफ आर टर्म ए क्यू प्लस ए आर बट इन दी एंड वी नो डेट ए क्यू और ए आर खुद एक दूसरे के इक्वल है इसलिए डबल ऑफ ए क्यू हो गया एंड इन दी एंड वी फाइंड आउट दैट रिक्वायर्ड प्रूविंग आंसर नो बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर फोर को जिसमें हमारे लिए बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी एस इट इज वेरी क्लियर एक सर्कल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर है जिस ए बी की साइड है हमारे पास एट बी सी की साइड है मेरे पास टेन और सी ए की साइड है मेरे पास ट्वेल्व तो दिस इज एट दिस इज टेन एंड दिस इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एश ऑन इन द फिगर यू नीड टू फाइंड आउट देंथ ए डी तुम्हें एक तो ए डी की लेंथ निकालनी है एक बी की लेंथ निकालनी है एक सी एफ की लेंथ निकालनी है टू थाउजेंड थर्टीन बोट क्वेश्चन तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ हम आपको प्रूविंग नहीं करनी है सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो सिंस इट इज़ ग्लियर डैट कि जो ए बी है वो एट सेंटीमीटर है जो बी सी है वो टेन सेंटीमीटर है और जो सी ए है वो ट्वेल्व सेंटीमीटर है ये सब बातें मुझे मेरे क्वेश्चन में गिवन है और मुझे जो यहाँ पे फाइंड करना है वो करनी है ए डी बी ई एंड सी एफ तो टू स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिखा लेट ए डी इज एक्स सेंटीमीटर

drawn from an external point are equal अब uh, one of the very basic theorem here ki jab bhi kabhi do tangent external points se banenge wo equal होगे इसलिए AD equal to AF हो जाएगा और इसे x लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे A is an external point for it A इसका external point है और ये भी x आ गया ऐसे बेटा सी एफ इक्वल टू सी हो जाएगा और इसे वाइल इसे जेड लिख देंगे और यहां पे सी इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और अगर इसी तरह से देखा जाए तो बी इी डी हो, हो जाएगी और इसमें बी इनका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अबव थ्योरम कि जब भी कभी दो टेंजेंट आउटसाइड मीट करते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं वी आर कंक्लूडिंग कि अगर ये एक्स था तो ये एक्स होगा ये जेड है तो ये जेड होगा ये वाई है तो ये भी वाई होगा नाउ बेटा इट इज क्लियर दैट ए बी इज एट विच मींस अब देखो ए बी किन दो हिस्सों में बन गया एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू एट आ गई जो फर्स्ट इक्वेशन है फिर हमें पता है बी सी इज टेन और BC का मतलब हो गया यहाँ पे जेड प्लस वाई तो y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 10 एंड वी आर गेटिंग अ सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम दैट एंड वी आर आल्सो हैविंग सी as ट्वेल्व तो जब मैंने इसको सोचा तो इट इज़ x प्लस जेड जिसकी वैल्यू 12 आ गई तो मुझे वन बाय वन अपने गिवन क्वेश्चन से तीन बेसिक इक्वेशन मिल गई मैंने इन तीनों को आपस में ऐड कर लिया क्योंकि तो मुझे इन्हें सॉल्व करना है तो मैंने इन तीनों को करा यहाँ पे ऐड ऐड करते ही आ गया एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड इक्वल टू थर्टी वाईट बिकम थर्टी टेन प्लस एट प्लस इट्स इट इज फाइनली गेव यू टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू थर्टीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फिफ्टीन लास्ट स्टेप में मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन को टू से डिवाइड करा एंड वी आर ऑबिंग दिस वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिफ्टीन है अब बेटा जब हम अपने क्वेश्चन के इस स्टेप तक पहुंच गए हैं अब मैं यहाँ से एक एक करके वैल्यू निकालूंगा तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट वी कैन रिप्लेस जेड एस 8 प्लस जेड इक्वल टू फिफ्टीन द जेड वी गेट फ्रॉम इट इज सेवन सेंटीमीटर तो मुझे यहां से जेड की वैल्यू सेवन मिल गई ये कैसे आया देखो पहले मैंने आपके सामने दो बातें शेयर करी सबसे पहले मैंने कहा जो मिसिंग फाइंड आउट करने ने एक्स वाई जेड मान लिया फिर मैंने एक थ्योरम लगाई जब भी दो टेंजेंट आउटसाइड मीट करते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं मैंने वो यहाँ पे यूज़ कर लिया एज अ रिजल्ट ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल सबको रिस्पेक्टिव नेम दे दिया एक्स वाई जेड और ये भी एक्स हो गया तो ये भी एक्स ये वाई जेड तो ये भी जेड ये वाई तो ये भी वाई फिर मैंने वन बाय वन तीनों साइड्स को उठाया उनके अंदर इक्वेशन बनाई तीनों को ऐड किया तीनों साइड्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम आ गया अब मैंने इसमें एक्स प्लस जेड की जगह पे मतलब एक्स प्लस वाई की जगह पे एट को पुट करा जेट की वैल्यू आ गई अब जेट को सब्सिट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन में इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट देखिए यहां था वाई प्लस जेड तो वाई प्लस सेवन इक्वल टू टेन द वैल्यू ऑफ वाई वी ओ फ्रॉम दिस पार्ट इज थ्री सेंटीमीटर एंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट देखिए इक्वेशन थर्ड के अपने पास एक्स प्लस जेड तो x प्लस सेवन इक्वल टू वैल्यू फाइव आ गई बेटा मुझसे AD पूछा था और what is the value of ADX? तो ADX था और तो इसलिए ए डी की वैल्यू तो आ गई फाइव सेंटीमीटर फिर मुझसे बी ई पूछा था और बी को मैंने आपके लिए माना था वाई और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बी वाई और वाई की वैल्यू आई है थ्री सेंटीमीटर और फिर लास्ट में मुझे पूछा गया था सी एफ जिसे मैंने जेड माना था और यहाँ पे जो जेड है दैट इज सेवन सेंटीमीटर तो दिस इज द रिस्पेक्टिव थ्री रिजल्ट ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन नंबर फोर तो आपने देखा यूनिक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पर हम बात कर रहे थे एंड दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एंस सर्कल जिसमें हमने प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड थर्टीन के क्वेश्चन को डिस्कस किया क्वेश्चन की डायग्राम ऑलरेडी था फिगर ऑलरेडी मेरे पास थी जिसमें एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल फिट था मीन्स ट्राइंगल की जो साइड सी दीज आर बेहेव लाइक अ तो दिस सर्कल तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है इसलिए ए एफ ए डी के इक्वल हुआ बी डी सी बी ई के इक्वल हुआ और सी एफ सी ई के इक्वल हुआ एज अ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे आर नॉन टू बी एक्स वाई जेड देन वी गो फॉर द दिम्प्लीफिकेशन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर और इन द एंड वी आर ओपटेनिंग द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अर क्वेश्चन नंबर फोर नॉ बेटा कंसिडर करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज अगेन वन ऑफ द एन सी आर टी एग्जामलर क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन है टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम टू आ सर्कल विद सेंटर ओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ अर सर्कल विद सेंटर ओ एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट यू नीड टू ड्रो आर टू टेंजेंट्स तो यहाँ पर मैंने इन दो टेंजेंट्स को ड्रो कराया है विद द नेम ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर पी ए एंड पी बी नाउ सर्स डेट जो ये एंगल है दिस इज वन ट्वेंटी डिग्री यू हैव टू कंसिडर वेरी केयरफुल द आउटसाइड एंगल एक्सटर्नल एंगल फॉर्म बाई दीज टू टेंगल डिग्री एंड यू नीड टू प्रूव दिस तो सबसे पहले गिवन में क्या है गिवन में लिख दीजिए बस आप टू टेंज पी एंड पी बी आ ड्रोन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच डैट एंगल पी ए बी इज वन ट्वेंटी एज इट इज़ जो गिवन था वो लिख दिया अब टू प्रूफ करने का है हमारे को और जब मेरे को यहाँ पे टू प्रूफ करना है वो क्या करना है ओ पी इज डबल ऑफ ए पी ये जो वैल्यू ऑफ ओ पी है तो मीन्स ओ पी इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन एयर वी नीड टू वेरीफाई एंड दिस इज डबल ऑफ ओ पी तो यहाँ से ही यह सब प्रूफ करना है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है एंड टू इन दैट कंस्ट्रक्शन यू हैव टू ज्वाइन वन ऑफ द रेडियस जो कनेक्टेड है इससे ओ पी से हो ए पी से तो मैंने कह दिया ज्वाइन ओ ए आफ्टर हैविंग दी सच बेसिक इंफॉर्मेशन हेयर अब हम चले गए इसके वेरिफिकेशन के लिए इसके प्रूफ के लिए टू प्रूफ दिस आंसर टू प्रूव दिस रिजल्ट यू नीड टू रिमेंबर हेयर वॉट इज डैट थ्योरम वर्ल्ड हेयर अटेंजेंट एट एनी पॉइंट

ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर वेरी सिंपली से कि ये एंगल आ गया मेरे पास 90 डिग्री तो मुझे इस एंगल के बारे में पता चल गया 90 डिग्री के बारे में पता चल गया एस ओ पी इज दी एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी हमने ये भी डिस्कस किया था जब कभी थ्योरम 10.2 को डिस्कस किया कर रहे थे कि जो सेंटर लाइन होती है वो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक कर देती है इसलिए जो हमारा एंगल ए पी ओ होगा दैट इज़ जस्ट हाफ ऑफ एंगल ए पी बी विच मीन्स इट इज़ सिक्सटी डिग्री तो मुझे बेटा ये जो अपर वाला एंगल है वो सिक्सटी डिग्री मिल गया है इज इज ओके तो हम लोगों ने अपने सर्कल की प्लानिंग की हेल्प से कुछ चीज़ों को यहाँ पे आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया है पहली चीज़ पहली इन्फॉर्मेशन ये 90 है और ये 60 है तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे आपके लिए रीप्लॉट कर रहा हूं दिस इज ए दिस इज ओ दिस इज पी दिस इज नाइन्टी मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें बहुत इजीली अब आपको विजिबल है नो बेटा वी आर नोइंग टू वी आर नो डैट कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे इन दो साइड्स के बीच में रिलेशन चाहिए यानी कि मुझे दो साइड्स के बीच में रेशियो पता होनी चाहिए और जब भी कभी ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशली बात की जा रही है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड्स में रेशियो चाहिए तो कहीं ना कहीं टिग्नो याद आती है तो इन ट्रायंगल दिस एज इट इज 90 डिग्री तो दिस इज हाईपोर्ट न्यूज दिस इज थीटा तो इट इज दिस इज देश एंड दिस बिकम हेयर पर्पेंडिकुलर तो ये पर्पेंडिकुलर ये बेस 90 के सामने हाईपोर्ट न्यूज थीटा के सामने पर्पेंडिकुलर जो बच गया बेस प्रूविंग के हिसाब से मुझे ओ पी यानी कि हाईपोट में ए पी यानी कि बेस में रिलेशन चाहिए तो वी आर वेरी वेल नो डैट कि जो ये बेस अपॉन हाईपोट होता है दिस इज़ कॉस थीटा इन दी गिवन फिगर ए पी अपॉन ओ पी इक्वल टू कॉस सिक्सटी तो इट मीन्स ए पी अपॉन ओ पी इक्वल टू हाफ और वेन यू रीअरेंज इट वी हैव आवर रिस्पेक्टिव आंसर हो गया जी प्रूव हमारे लिए ये तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन पे मुझे टिग्नो भी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि जब मैं किसी ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज में जा रहा हूं समझो ना ये रेशियो लिखी हुई है एक तरह से एपी अपॉन ओपी वन बाई टू या ओपी अपॉन एपी टू तो वेन देर इज़ आर साइड्स इन अ फॉर्म ऑफ रेशियोज मल्टीपल्स मींस वी आर इन अ पोजिशन टू यूज टिग्नोमेट्री इफ देर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर अस तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा वन ऑफ द वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर सर्कल जिसमें ये दे रखा था एक सर्कल था जिसका सेंटर होता है एक्सटर्नल पॉइंट पी से इस पर दो टेंजन बन रहे थे जो जनरली मोस्टली क्वेश्चन में बनते हैं और ये आउटसाइड एंगल वन ट्वेंटी था और मुझे प्रूव करना था ये जो ओ पी है दिस इज नथिंग बट डबल ऑफ ए पी तो मैंने गिबन टू प्रूव और ज्वाइनिंग कर सिखाई आपको फिर मैंने सबसे पहले देखा कि ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो दीज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर मुझे कन्फर्म हो गया मेरे ट्रा में एक एंगल नाइन्टी डिग्री का है फिर जब ये पूरा एंगल 120 है तो इसके हाफ एंगल के बारे में सोचा और उसके लिए भी वी हैव अ डायरेक्ट थ्योरम इन अवर एनसीआर टी ओनली 10.2 का एक एडिशनल पार्ट था कि जब भी कभी कोई लाइन सेंटर से एक्सटर्नल एंगल को मिलती है तो वो उसका बाइसेक्टर होती है उससे ये मुझे 60 मिल गया Being a right angle triangle, one of the angle is clear to us, and we need to find out the ratio between any two sides, that is base and hypotenuse. We plan for a trigonometry, we simplified accordingly, and in the end, easily we are obtaining the respective answer of our question. aur humne prove kar diya jo actually hame chahiye tha Now, बेटा, consider करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेक्स, जो अगेन 2011 का CBSE क्वेश्चन था। In the given figure, angle ADC is 90. तो ये एंगल आपके पास 90 है। द वैल्यू ऑफ बी सी इज थर्टी एट ये थर्टी एट सेंटीमीटर है बी सी देन वी हैव टू सी डी सी डी एज ट्वेंटी एट ये ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है एंड द वैल्यू ऑफ बी पी इज ट्वेंटी फाइव और ये ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दर्कल तो सबसे पहले आप याद रखो ये जो मैंने लाइन्स ज्वाइन करी है दीज आर कंसिडर हेर एज रेडियस तो सिंस ओ एस इज पपेंडिकुलर टू डी एंड ओ आर इज पपेंडिकुलर टू डी सी रीजन लिख देना, आप पूरी थ्योरम लिख देना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेडियस इज पपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज पर्पेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो उसी थ्योरम की हेल्प से ये भी नाइन्टी आ गया ये भी नाइन्टी आ गया तो एस एंगल आर डी एस एंगल डी एस ओ एंगल डी आर ओ ये सब 90 है ये भी 90 ये भी 90 ये भी नाइन्टी देयर फोर जो एंगल बचेगा आर ओ एस वो भी 90 आ जाएगा कैसे आ जाएगा सोच के देखो भाई इन चारों का सम 360 सिक्सटी है 90 90 नाइन्टी टू सेवेंटी हो गया तो ये बचा हुआ भी 90 होगा तो बींग ईच एंगल 90 डिग्री देयर फोर हैंस इट इज़ ए रेक्टेंगल ये पैलुलोग्राम भी हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है इवन ये स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि इसकी एजेसन साइड्स इक्वल है तो इट इज़ ए पेलुलग्राम लिखो तो भी चलेगा रेक्टेंगल लिखो तो भी चलेगा स्क्वायर लिखो तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि एक्चुअली ये स्क्वायर है तो इट इज़ ए स्क्वायर तो जैसे ये स्क्वायर हो गया तो इन सभी साइड्स हो गई आर 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 हैं फो डीएस इक्वल टू आर एस आर डी इक्वल टू रेडियस तो ये सब भी रेडियस हो गए तो मुझे मिल गया ये आर है इज दिस ओके नाउ बेटा इट इज क्लियर दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल जब भी दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो ये बी है वो बी के इक्वल होगी और एज अ रिजल्ट ये ट्वेंटी फाइव हो गया अब जरा ध्यान देने का टाइम आ गया ये ट्वेंटी फाइव है तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हो गया इसके ट्वेंटी फाइव होते ही मुझे सी की वैल्यू चाहिए थी और सी मिल गया मुझे बी सी माइनस बी क्यू देखो आप अगर ये सी चाहिए तो पूरी साइड में से पीछे वाली साइड माइनस कर दो इट is 38 एट 25, ट्वेंटी फाइव द वैल्यू ऑफ सी क्यू वी गेट फ्रॉम इट इज थर्टीन सेंटीमीटर मुझे 13 सेंटीमीटर मिल गया CQ। CQ के 13 आते ही मुझे RC मिल गया But we know that RC is equal to CQ just because of this theorem, two tangent। देखो ना ये C से दो tangent बने तो ये जो ये है CQ, वो 13 था इसलिए RC भी 13 हो गया Hence आर सी के थर्टीन आते ही आर सी के थर्टीन आते ही मैंने लिखा हेज की जो हमारा आर डी है दिस आर डी इज डी सी माइनस सी आर तो ये जो आर डी की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास ट्वेंटी एट माइनस थर्टीन द वैल्यू ऑफ आर डी इज फिफ्टीन सेंटीमीटर डेयर जो रेडियस हो गया क्योंकि आपने देखा होगा आर डी ही रेडियस था जो रेडियस हो गया वो हो गया 15 सेंटीमीटर तो ये तो हो गई पूरी वर्किंग इस क्वेश्चन की कि कैसे मैंने इसके रेडियस को यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट किया है अब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ अब सीखो सबसे पहले मैंने आपके लिए वेरीफाई किया कि दिस इज़ अ स्क्वायर जो बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम नंबर टेन कोई भी टेंजेंट और रेडियस जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर मीट करते हैं परपेंडिकुलर तो ये नाइन्टी ये 90, ये 90. एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली ये 90 होगा एज अ रिजल्ट ट्राइ कोर्डिलेटर के चारों एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है और राजस्थान साइड इक्वल है इसलिए वो स्क्वायर ही होगा अगर आपने रेक्टेंगल लिखा तो भी अपोजिट साइड इक्वल होते है तो भी ये रेडियस ही आएगा देन आफ्टर हैविंग दिस इन्फॉर्मेशन मुझे पता था ये ट्वेंटी है तो इसलिए ये ट्वेंटी हो गया टू टेंट मीट आउट साइड आर इक्वल इन लेंथ अगर ये थर्टी है ये ट्वेंटी है तो ये बैलेंस थर्टीन हो गया अगर ये थर्टीन है तो याला भी थर्टीन हो गया ये पूरा 28 है ये 13 है तो ये बैलेंस 15 हो गया और यही हमारे फिगर का रेडियस है और यही हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना था इसलिए इस गिवन क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो फाइनल आंसर आ गया यानी कि जो इस सर्कल का रेडियस आ गया है द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 15 सेंटीमीटर नौ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर सेवन है विच इज़ अगेन आर वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन विच इट इज गिवन दट इन अ गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल और वो भी बी पे इन विच द साइड बी सी इज सिक्स सेंटीमीटर एंड दिस साइड ए बी इज एट सेंटीमीटर एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल तो देखो जब मैं इस क्वेश्चन की सोल्यूशन पर जा रहा हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज नाइन्टी डिग्री विच इज गिवन टू अस बाय दी हेल्प ऑफ पाइथाग्योरस थ्योरम मैंने इसके हाइपोटम्यूज को फाइंड आउट कर लेना है और वो होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर वेन यू सिंप्लीफाई केयरफुली इट इज सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स

ये बहुत ईजिली विजिबल था कि सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइबड है तो ये सभी साइड्स इसके लिए टेंजेंट है और हमने एक थ्योरम पढ़िया अ टेंजेंट अ टेंजेंट ड्रोन अ टेंजेंट फ्रॉम दी एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू आ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज दर्स फर्स्ट थ्योरम और उसके बेस पे ये भी नाइन्टी है ये भी नाइन्टी है और ये भी नाइन्टी है लाइक इन अ प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए कन्फर्म हो चुका है कि जो एंगल पी बी क्यू है जो एंगल बी क्यू ओ है और जो एंगल बी पी ओ है दिस इज 90 डिग्री ईच देआर फोर जो मिसिंग एंगल है बी पी क्यू पी ओ क्यू तो वो भी 90 आ गया देर फोर बी क्यू ओ पी इज अ स्क्वायर तो लाइक like अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये स्टेप हमने रिपीट किया था ये स्क्वायर हो गया इसलिए बी क्यू विच इज इक्वल टू ओ क्यू विच इज इक्वल टू ओ पी विच इज इक्वल टू बी पी ऑल बिकम एज इट्स रेडियस ये सब रेडियस के इक्वल आ गए तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी नाउ द टाइम्स कम जब हम यूज करेंगे एक और नई थ्योरम और वो थ्योरम है टू टेंजेंट्स सिंस टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल और इसी भाव पे हम शुरू करते हैं इस बात को कंसिडर करना कि जो बीक्यू है डेट इज इक्वल टू बी पी ऑलरेडी वी आर इट से आर हो गया देन वी आर से पी इक्वल टू ए आर ये जो ए पी है वो ए आर के इक्वल होगा तो देखो यहाँ पे समझो अगर बेटा ये आर है ये तो टोटल एट है तो ये कितना आ गया एट माइनस आर तो हम इसे लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज एट माइनस आर सोचेगा यहाँ पे डायग्राम को देखते हुए कि अगर ये आर है ये पूरा एट है तो ये बैलेंस होगा एट माइनस आर अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख लो नाउ ए पी द वैल्यू ऑफ ए पी इज ए बी माइनस बी पी इसलिए वो आ गई एट माइनस आर ऐसे इधर से इसके बारे में, में लिख लो क्यू सी इज बी सी माइनस बी क्यू एंड दिस बिकम सिक्स माइनस आर क्योंकि ये दोनों चाहिए होगी और हम यूज करेंगे और जैसे यहाँ पे ये एट माइनस आर आ गया और सिमिलरली क्यू सी इक्वल टू सी आर विच इज इक्वल टू सिक्स माइनस आर और ये तीन कंडीशन सिर्फ क्यों निकली है क्योंकि दो टेंजेंट एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं सिंस इट इज क्लियर डैट कि जो ये ए सी है दिस इज डिवाइडेड विद टू पार्ट ए आर प्लस आर सी ये इन दोनों का सम है वेरी इजिली क्लियर है हमारे ए सी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस तो वट वी हैव टू कंसिडर ये आ रहा है तो ये एट माइनस आर ये आ रहा है तो ये सिक्स माइनस आर अगर ये एट माइनस आ रहा है तो ये भी एट माइनस आर ये सिक्स माइनस आ रहा है तो ये भी सिक्स माइनस आर तो यहाँ तक का मैं क्वेश्चन प्लान करके ले आया आपके लिए अब मुझे ये पता है ये जो पूरी ए है वो तो टेन है अब कहू भी ये कहाँ से निकला ये रहा हमारे पास ए सी है एंड द वैल्यू ऑफ ए अभी हमने निकाली ए आर एट माइनस आर और दिस इज सिक्स माइनस आर टेन इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू आर टू आर इक्वल टू फोर्टीन माइनस टेन टू आर इक्वल टू फोर द वैल्यू ऑफ आर वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन इज टू सेंटीमीटर इस तरह से इस क्वेश्चन का जो रेडियस है वो टू सेंटीमीटर आ गया तो दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमने सर्कल का एक और अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कशन किया और एक मिसिंग रेडियस को फाइंड आउट किया तो आप आराम से ध्यान से देखो प्लानिंग बहुत ईजी थी क्वेश्चन की सबसे पहले मैंने इसे स्क्वायर माना लेकिन उससे भी पहले मैंने क्या किया गिवन क्वेश्चन में पहले मैंने ए ही निकाल लिया क्योंकि ये सिक्स है या एट है या राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए निकल गया टेन दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन फिर मैंने कहा ये 90 है ये 90 है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये 90 दे ही रखा है तो कॉर्डिलेटर के तीन एंगल 90 आ रहे हैं तो मिसिंग एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा जब आप इसमें सम प्रॉपर्टी लगाओगे और इसके 90 होते ही इट इज श्योर कि ये एक स्क्वायर बन गया और बींगा स्क्वायर ये सब आर 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 आ गया जैसे ये आर हो गया तो ये सिक्स माइनस आर आ गया ये आर आ गया तो ये एट माइनस आर आ गया एज अ बैलेंस पार्ट अब क्योंकि ये दो टेंजेंट आउटसाइड मीट करके इक्वल हो रहे तो ये भी सिक्स माइनस आर हो गया और ये एट माइनस आर हो गया इसका बताया जो पूरी ए है वो इन दोनों के सम के इक्वल है जबकि ए की लेंथ ऑलरेडी टेंथ थी इसलिए वेन जीवी मेक का सिम्प्लीफिकेशन मेरे पास जो वैल्यू ऑफ रेडियस आ गई वो टू सेंटीमीटर आ गई हैंस मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर को यही कंप्लीट करता हूँ इवन हमने इस चैप्टर के पूरी एनसीआर टी विथ देयर एग्जाम्पल्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन किया मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा